हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि आप मिक्सचर वाली नमकीन को घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अनहेल्दी ऑयल के। तो आपको बिल्कुल भी रिफाइंड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अनहेल्दी रहता है, बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं उससे। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली का जो फ़िल्टर वाला ऑयल आता है वो यूज़ किया है। तो इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने दो तरह की दालें ली हैं, तो इनको हमने अच्छी तरह से धो के पूरी रात पानी में इसको सोख करके रखा है। अब मैं सुबह इनका जो पानी है वो अलग करके और इनको ऐसे स्टेन करके रख रही हूँ। तो बस इस तरह से इनका पानी अलग करेंगे और फिर हमें इनको सुखाना है। तो सुखाना किस तरह से है वो मैं आपको बताती हूँ। आप चाहे तो एक कॉटन का कपड़ा लेके और उस पर ये दाल फैला के और पंखे में सुखा सकते हैं, धूप में नहीं सुखाना है। और चाहे तो, जैसे मैंने ये एक टिश्यू पेपर लिया है बड़ा वाला, तो चाहे तो आप ऐसे भी सुखा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको पंखे की हवा में ही सूखने के लिए रख दिया है एक घंटे के लिए। और जो दालें हैं इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हम इनको अच्छी तरीके से सुखा करके और फिर बाद में हम नमकीन तैयार करेंगे। तो गाइस, दालों को अच्छी तरह से सूखने के बाद इनको हमें फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है धारा का जो फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल आता है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिफाइंड यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने ये कढ़ाई में डाला है और इसके बाद हम दोनों दालों को बारी बारी से फ्राई करने वाले हैं। तो इनको फ्राई करने के बाद इस तरह से हम छलनी में छान लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही आ जाए और जो हमारी नमकीन है तो उसमें ज़्यादा ऑयल ना जा सके। तो इस तरह से मैंने इनको छान के निकाल लिया है। उसके बाद हम चने की दाल को फ्राई करेंगे। तो गाइज़, इसके बाद हम ऐड करेंगे मूंगफली। तो जो मिक्सर वाली नमकीन आती है उसमें जो जो चीज़ें होती है ना, तो बस मैं इसी तरह से बारी बारी से सब चीज़ों को फ्राई करती जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी अब मूंगफली ली है। के बाद मैंने लिए हैं मुरमुरे, जिनको पफ फ्राइज भी बोलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, चाहे तो आप इक्वल हर चीज़ का अमाउंट ले सकते हैं। तो बस इनको भी इस तरह से ही फ्राई करके मैंने छलनी में निकाल लिया है, और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इससे पोहा। तो
तो पोहा को भी ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको डालते ही ये थोड़ा सा कुरकुरा हो जाता है, तो इसको बस ऐसे ही करके निकाल लेंगे। थोड़े से काजू डालेंगे, इनको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। में किशमिश, तो किशमिश को भी हमने थोड़ी सी देर ही फ्राई करना है, जब तक ये फूल जाती है, तो ये डालते ही तुरंत फूल जाती है, तो बस इसको निकाल लेना है। उसके बाद मैंने लिया है कटोरी में 3 चम्मच बेसन। अब मैं बेसन में डालूँगी थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और ज़रा सी चुटकी भर हमें हींग मिलानी है। उसके बाद हल्का सा पानी डाल के इसमें मैंने एक थिक पेस्ट बना लिया है। तो गाइज़, इसकी हम सेव बनाने वाले हैं। जैसे कि आपने मिक्सचर वाली नमकीन में देखा ही होगा कि उसमें सेव भी होती है और इस ऐसे ही कलरफुल बूंदी भी होती है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेव बनाने वाली हूँ। और क्वांटिटी आपको जितनी चाहिए ना, आप उसी हिसाब से बेसन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ही सेव ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। तो गाइज़, बस इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए। ये एक थिक पेस्ट बनके तैयार है। अब हम इसकी सेव बनाएंगे। तो मेरे पास सेव बनाने की मशीन नहीं है, तो मैं इस तरह से जो छेद वाली चलनी होती है ना, बस उसी पे मैं इसकी सेव बनाने वाली हूँ। तो हम इसको इस पे डालेंगे और जो हमारी हथेली है उससे हल्के हल्के दबाते दबाते इसकी सेव बनाएंगे। तो सबसे लास्ट में मैंने लिए हैं करी पत्ता, इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम नमकीन में ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो इनको हाथों से क्रश करके डाल सकते हैं, ये थोड़े क्रंची से हो जाते हैं, चाहे तो इसको ऐसे ही डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बाद में जब मसाले मिलाए तो ये अपने आप क्रश हो चुके थे। तो अब हम टेस्ट के लिए इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने मिक्सी का एक जार लिया है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच काली मिर्च डाली है, 2 लौंग डाल दिए हैं, और चुटकी भर इसमें हींग डालेंगे, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें अमचूर का पाउडर डाल दिया है। तो ये घर का पिसा हुआ अमचूर है और इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में मैंने सेंधा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा काला नमक भी डाला है, और साथ में मैंने डाला है 1/2 चम्मच जीरा और लाल मिर्च का पाउडर। तो ये मसाले बिल्कुल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस इनको पीस के हमने पाउडर बना लिया है और अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।